दोस्तों नमस्कार, द न्यू लिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और 243 विधानसभा सीटों में 125 सीट लाकर एनडीए गठबंधन मामूली बढ़त के साथ सरकार बनाती नज़र आ रही है। बहुत ही नज़दीकी कड़े और रोमांचक मुकाबले में जो लगभग आधी रात से भी अधिक वक्त तक चलती वोटों की गिनती के बाद एनडीए गठबंधन विजयी घोषित की गई। एनडीए गठबंधन को 125 जबकि महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई। 5 सीटें AIMIM, 1 सीट बसपा और 1 सीट लोजपा को हासिल हुई, साथ ही एक निर्दलीय भी जीता। दोस्तों जो सबसे खास बात इस चुनाव की रही बिहार के हालिया चुनाव इतिहास में कि वोटों का अंतर और जीत का अंतर बहुत ही कम मार्जिन से लगभग 2 दर्जन सीटों पर जीत हार का अंतर 100 से 500 वोट के भीतर था। 1000 और 2000 के बीच का भी अंतर कई सारी सीटों पर रहा। जो बात सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है कि जो एग्जिट पोल से लेकर तमाम विश्लेषकों द्वारा और जो बात नज़र भी आ रही थी कि बिहार में 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और एक नई सरकार आएगी, जिस तरीके से महागठबंधन द्वारा 10 लाख नौकरी, विधवा पेंशन सहित कई दूसरे आर्थिक न्याय के वादे किए गए थे, उसने लोगों में ये उम्मीद जता दी थी कि अब बिहार में सरकार बदलेगी, नया सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन अंतिम चरण के 7 नवंबर को हुए 78 सीटों के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 78 में 54 सीटें प्राप्त हुई और जो महागठबंधन के मजबूत आधार वाले इलाके माने जा रहे थे, मसलन सीमांचल, मिथिलांचल और ख़ास करके सीमांचल जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, महागठबंधन को सबसे अधिक नुकसान इसी इलाके से मिला है। और AIMIM की जीत से भले उसने सीटें तो 5 जीती लेकिन उसने महागठबंधन का लगभग 1 दर्जन सीटों पर नुकसान किया। और अंतिम चरण में बहुत बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए, कम्युनल पोलराइजेशन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार, जैसा कि मैंने बताया कि आधी रात तक चलती वोटों की गिनती के बावजूद लोगों में एक जो चुनाव परिणाम आए हैं बहुत सारी सीटों को लेकर, लगभग 20 से 21 सीटों को लेकर के एक अविश्वास है, धांधली का आरोप लगता रहा है, वोटों की गिनती में हेर फेर की बातें की जाती रही है। जीतने के बाद भी कई उम्मीदवारों को जीत के सर्टिफिकेट आधी रात के बाद दिए गए, कई ऐसे उम्मीदवार जिनकी जीत की घोषणा हो गई बाद में प्रशासन ने, DM ने बताया और RO ने कि वो हार चुके हैं, तो बहुत ही एक अफरा तफरी, केओस और अनिश्चितताओं के बीच बिहार का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें NDA गठबंधन आगे होकर सरकार बनाती दिख रही है। 2 बातें इसके विश्लेषण में कही जा रही हैं कि अगर हम इन नज़दीकी मुकाबलों को तो छोड़ दें, बड़े पैमाने पर जो 160 या 170 सीटें लाने की बात जो महागठबंधन की जा रही थी वो नहीं हुआ। इसकी व्याख्या 2 तरीके से की जा रही है। पहली कि अंतिम चरण में लगभग 6 या 7% का महिलाओं के वोटों में इजाफा हुआ, जिनके बारे में ये बात कही जा रही है कि महिलाओं ने, चाहे उनको 33% पंचायत में आरक्षण या फिर कहें शराबबंदी या कई अन्य कदमों से महिलाओं ने नीतीश के पक्ष में देना शुरू किया। और दूसरा AIMIM या इस तरह की जो दूसरे गठबंधन है, खास करके पप्पू यादव गठबंधन जिसमें कई दूसरे मुस्लिम संगठन रहे, SDPI, IUML, AMP, चंद्रशेखर राव की पार्टी, प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी जिसका नेतृत्व पप्पू यादव करते रहे, और दूसरा ओवैसी, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों गठबंधनों ने बहुत भले ही कम वोट काटे हों लेकिन नज़दीकी मुकाबले में इन लोगों ने भी महागठबंधन का नुकसान पहुंचाया। और इन मुस्लिम संगठनों ने, खास करके AIMM ने सीमांचल में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिससे भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में मदद मिली। उसने मुसलमानों की नुमाइंदगी के सवाल पर सेकुलर पार्टी को अधिक घेरा जिससे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। अब जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं,
और आगे एक नई सरकार कैसे बनती है, क्योंकि अभी भी चुनौतियाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सामने भी बहुत है, क्योंकि इन दोनों की सीटों को मिला भी दें फिर भी बहुमत के आंकड़े से इन्हें 5 सीटें कम है। और जब तक VIP विकासशील इंसान पार्टी और हम जिसके नेता जितेंद्र मांझी, इन दोनों का सहयोग न हो तो शायद NDA की सरकार भी नहीं बन पाएगी। लेकिन जो अब तक के उपलब्ध आंकड़े और जो राजनीतिक माहौल दिख रहा है उसमें NDA सरकार बनाने के करीब दिखता नज़र आ रहा है। हम आगे की घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए पटना से अनीश अंकुर।